हेलो निश्रेया व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आटे के कुलचे बिना अवन के, बहुत ही आसान तरह से तवे पे। तो चलिए आटे से कुलचे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बोल में लेंगे 2.5 कप गेहूं का आटा। अगर आप मैदा लेना चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। अब बीच में थोड़ी सी जगह करें और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। फिर इसमें डालें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 3/4 चम्मच यानी 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 2 चम्मच तेल। अब इन्हें अच्छी तरह मिलाएं और फिर इस मिक्सचर को आटे के साथ में मिक्स करेंगे। अब गुनगुने पानी के साथ में आटा गूंदेंगे। आटा सॉफ्ट लगाना है और सॉफ्ट आटा लगाने में 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगेगा। अगर आप मैदा काम में लेते हैं तो मैदा में पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगेगी, पर हमने 1 कप और 2-3 चम्मच ऊपर से पानी थोड़ा और लगा है और इतने में सॉफ्ट आटा लग करके तैयार हो गया है। तो चलिए कुलचे के लिए आटा लग गया है। अब 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की इसमें डालें और आटे को 2-3 मिनट तक नीड करें और फिर आटे को ढक करके 2 घंटे के लिए रख दें। तो आटे को 2 घंटे हो गए हैं, सेट हो गया है, इसे थोड़ा सा नीड कर लें। और फिर आटे से एक लोई तोड़ेंगे और फिर थोड़ा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर कुलचों को बेलेंगे। आप ये राउंड शेप में भी बना सकते हैं या फिर लंबाई में भी बना सकते हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं और ये डाल करके इनको बेल लें। तो अब कुलचे बेल गए हैं, अब इनको सेकेंगे। इन्हें हम सेकेंगे बिना ओवन के, बहुत ही आसान तरीके से। तो इन्हें सेकने के लिए हमने तवा गरम कर लिया है, तवा अच्छा गरम होना चाहिए और फिर इस पर हम कुलचे को डालेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसे सेकने दें। अब कुलचे में आप देखेंगे हल्के हल्के बबल्स दिखने लगे हैं, तो जैसे ही बबल्स आपको दिखने लगे कुलचे को पलट दें। अब दूसरी तरफ से भी इसको सेकने दें, तो कुछ ही सेकंड्स में दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। तो इसमें हमें थोड़े थोड़े से निशान नजर आएंगे बस। फिर जब ये दूसरी साइड से थोड़ा सिक जाए तो तवे को हटाएंगे और जैसे रोटी को फुलाते हैं उसी तरह से इन्हें फुलाएंगे। जैसे ही फूल जाए तुरंत इसको फ्लेम पर से हटा दें और लो फ्लेम पर इसको तवे पर रखें। तो जब आप मार्केट से लेकर आते हैं वो भी इसी तरह के कुलचे होते हैं, इन्हें ही हम काम में लेते हैं। तो इस तरह से कुलचे तैयार करके आप 1 दिन पहले भी रख सकते हैं और जब भी आप इसे काम में लेना चाहें तो इसे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुलचों को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम इन्हें हाथों हाथ काम में लेने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर घी लगाएंगे और घी लगा करके इसको कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए सेकेंगे। यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा कुरकुरा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ये हमें बिल्कुल सॉफ्ट ही रहने देने हैं। तो एक साइड पर घी लगाएंगे, पलटेंगे, दूसरी साइड पर घी लगाएंगे और फिर 1-2 चम्मच पानी साइड में डालेंगे और इसको किसी भी लिड से ढक करके कुछ सेकंड्स के लिए रख देंगे। तो हमने करीब 30-40 सेकंड के लिए इस तरह से इसको स्टीम में भी पकाया है ताकि इसमें सॉफ्टनेस बनी रहे। तो लीजिए आटे के कुलचे बहुत ही सॉफ्ट और बनकर के तैयार हैं। अब दूसरा कुलचा सेकने के लिए पहले तवे को गीले कपड़े से साफ करें और फिर कुलचा तवे पर डालें और इसी तरह से सेक लें।
आटे के कुलचे तैयार हैं, हेल्दी और टेस्टी। इन्हें आप सर्व करें छोलों के साथ। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो भी करें और निश्रय ग्रुप से जुड़ने के लिए निश्रय ग्रुप के बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली बार, और तब तक के लिए हेल्दी खाइए और स्वस्थ रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।